फीफी आइलैंड ट्रिप कैसे आप सस्ते तरीके से बुक कर सकते हो और कैसे आप एक फुल डे फीफी आइलैंड का ट्रिप आप हासिल कर सकते हो, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में। How are you? Okay, we this is my friend. Okay. Hello. See, we all are over here. We all are celebrating the day. So, Phi, we are going there. गाइज, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो और थाईलैंड का फुकेट शहर घूमने जा रहे हो, मतलब पतोंग बीच बंगलानोर, तो थाईलैंड का जो मेन अट्रैक्शंस में टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आता है गाइस, फीफी आइलैंड। और फीफी आइलैंड का ट्रिप शुरू होता है पतोंग बीच एरिया से, मीन्स फुकेट से कहीं से भी आप फीफी आइलैंड का ट्रिप बुक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगा, नंबर वन, कैसे आप सबसे चीपेस्ट तरीके से फीफी आइलैंड ट्रिप बुक कर सकते हो। सो दोस्तों, फीफी आइलैंड ट्रिप को बुक करने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर वन, आप जब एयरपोर्ट से मीन्स बाहर आ गए, बाहर आने के मतलब फ्लाइट से जब उतरोगे एयरपोर्ट के अंदर ही, आपको बहुत टूर्स एंड ट्रैवल का ऑफिस मिल जाएगा और वो लोग आप फ्लाइट से उतरने से बाद ही आपको अप्रोच करेगा, आइए सर फीफी आइलैंड का ट्रिप बुक कर लीजिए हम लोगों के से। बट गलती से भी नहीं करना है गाइस, जो भी बुक करोगे वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, दैट इज़ द श्योर शॉर्ट एंड गारंटी। एयरपोर्ट से बाहर आकर जब आप कैब लेकर पतोंग बीच और कोई दूसरा बीच में आप जा रहे हो, मीन्स आपका होटल में भी जा रहे हो, तो रास्ते में भी ऐसे बहुत आप टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस मिल जाएगा, वो लोग भी आपको अप्रोच कर सकते हैं फीफी आइलैंड माया बे का ट्रिप, फुल डे ट्रिप बुक करने के लिए। पर दोस्तों, वहाँ से भी आपको बुक नहीं करना है, बिकॉज़ वो भी आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो गाइस, कहाँ से आपको बुक करना है? सपोज मान लो, अगर आप बंगलाडोर सराउंडिंग में रह रहे हो, पतोंग बीच सराउंडिंग में रह रहे हो, तो गाइस योर शुड उस इंटायर बंगलाडोर और पतोंग बीच के आसपास आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे टूर्स एंड ट्रेवल का, आपको वहीं से ही बुक करना है फीफी और माया बे का ट्रिप, क्योंकि वहाँ से बहुत ही सस्ता मिलता है। दोस्तों, मैं पूरा पतोंग और बंगला रोड का बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काउंटर विजिट करने के बाद मुझको डिफरेंट जगह से डिफरेंट रेट मुझको मिल रहा था, कहीं बोल रहा था 1200 थाई बाट, कहीं बोल रहा था 1500 थाई बाट, कहीं बोल रहा था 1100 थाई बाट। तो वहाँ पर आपको बिहेव करना पड़ेगा एज अ इंडियन, आपको वहाँ पर बार्गेनिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, बार्गेनिंग का मतलब आपको मोल तोल करना पड़ेगा अबाउट द रेट। दोस्तों, मैं बहुत बार्गेन किया, मैं शुरू किया था 700 बाट से, बट एग्जैक्टली 700 बाट से कोई ट्रिप बुक नहीं होता। बट फॉर्चुनेटली एक बहुत ही क्यूट सा एक लेडी थी, उसने मुझको दिया 900 भाट का एक एंटायर फुल डे पैकेज ऑफ फीफी एंड माया बे आइलैंड। और मेरा जो टूर सर्विस था उस कंपनी का नाम था अंदमान। सो गाइस, अंदमान टूर सर्विस से मेरा ये बुकिंग हुआ था सिर्फ 900 भाट में। 900 भाट को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे सिर्फ होगा 1800 रुपये। ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम आपको घूमना पड़ेगा बंगला रोड और पतोंग बीच के आसपास जो छोटे छोटे दुकान है, वहाँ से आपको ये टिकट खरीदना है। और यकीन मानिए, थोड़ा सा बार्गेन करोगे तो आप भी बहुत ही सस्ते तरीके से फीफी आइलैंड का होल डे ट्रिप बुक कर सकते हो विथ फूडिंग एंड एंटायर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो चलिए, अभी आपको डिटेल्स दे देते हैं फीफी आइलैंड का ट्रिप में आपका क्या क्या इंक्लूड रहता है। फीफी आइलैंड ट्रिप में आपका इंक्लूड रहता है आपका होटल से पिकअप एंड ड्रॉप, मीन्स कंपनी आपको गाड़ी से, कैब से, आपका होटल से आपको पिकअप कर लेगा और छोड़ने के टाइम में भी आपको ड्रॉप कर देगा। आपका रहेगा दो ऑप्शन रहता है, क्रूज और यर्ट। क्रूज से जो फैमिली वाले क्रूज से जाते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी रहता है। यर्ट से भी जा सकते हो, यर्ट और स्पीड बोट जैसे जो होते हैं वो भी सेफ है और बहुत ही एडवेंचरस है। पर मैंने चूज़ किया था यर्ट से जाना, स्पीड बोट से जाना, बिकॉज गाइज एज अ सोलो ट्रैवलर, एज अ यंग सोलो ट्रैवलर, इस यर्ट और स्पीड बोट का जो जर्नी हो तो कमाल का था। और उसके साथ भी आपको मिलेगा सुबह का ब्रेकफास्ट गाइज, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच। सुबह का ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड, बिस्किट, कॉफ़ी, जैम, जेली, ये सब मिलता है। और दोपहर का जो लंच, ये तो कमाल का होता है, आपको चिकन, आपको फिश, आपको बहुत सारे वेज नॉन वेज आइटम भी इंक्लूड होता है। तो गाइज, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है आपका फुल डे ट्रिप में। आपको एक बार ही पैसा देना है, बार बार आपको पैसा नहीं देना है, थोड़ा सा बार्गेन करना है। आपको इतना कम सस्ते पैसे में फीफी आइलैंड और माया बे का और जस्ट लाइक मोंकी आइलैंड का 3-4-5 ऐसे आइलैंड का ट्रिप वो लोग कराएगा फुल डे के लिए। तो गाइज, ये तो आपको करना ही चाहिए। और वो भी आपको बोल दिया कैसे आप बुक कर सकते हो। तो होप्स, अगर आप भी थाईलैंड का प्लान कर रहे हो, फुकेट जा रहे हो, तो दोस्तों फीफी आइलैंड और माया बे का ट्रिप आपको मिस तो नहीं करना है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगा
to make your Thailand friend. So next video में दोस्तों आपको मैं बोलूँगा मेरा entire journey के time में मेरा क्या experience हुआ आपको दिखाऊँगा Phi Island का और मायाबे का कुछ scene. So hope so this video आपको help करेगा. इस video को अच्छा लगे तो like, share, comment ज़रूर करना और next video देखने के लिए channel को जल्दी से subscribe भी कर दीजिए. So दोस्तों see you in the next exciting episode.